ट्रीटमेंट करते हैं, आपने एक प्रॉपर डेंटिस्ट वाली कॉस्ट बताई, बिल्कुल वही ट्रीटमेंट क्वैक एक कम पैसों में कर देता है, जिसका उसका 5 या 6 महीने के अंदर दोबारा पेन होना, स्वेलिंग आना, ये चीज कॉमनली देखी गई है। तो इस बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि ये क्यों होता है और इसे कैसे बचा जाए। देखिए, इसमें एक फायदा भी है और एक नुकसान भी। अब मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जब क्वैक से लोग काम करवाने जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी ना एक मजबूरी, वो मजबूरी क्या है, प्राइसिंग। ठीक है, हमारे भारत में कुछ स्तर, कुछ लोगों का स्तर बहुत ही आय के मामले में बहुत ही नीचे है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि रोज का 200 रुपये कोई कमा रहा है, आप समझना, ठीक है, हमारा रूट कैनाल है, बहुत कम मैं मान लूँ तो 1500-2000 रुपये की, तो उसकी 10 दिन की इनकम, ठीक है, एक जगह पे उसको मिल रहा है कि आपका मैं 400 रुपये में कर, तो वो 2 दिन की अपनी कीमत लगा के वहाँ पे वो काम करवा लेते, ये आय की वजह से होता है। ठीक है, कुछ लोग तो लालच के चक्कर में चले जाते हैं कि हाँ ये सस्ता होता है और वो भुगतते हैं, लेकिन कुछ लोग जो जनमन मतलब क्वैक को पकड़ते हैं, उसका कारण जो है वो ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि उनकी आय जो है वो बहुत ही सीमित है, इसलिए ज़्यादातर तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज होनी चाहिए उन लोगों के लिए। अब दूसरा मैं फ़ायदा ये बताता हूँ कि अगर एक बारी कोई क्वैक से गलती होती है और वो पेशेंट आपके पास आता है और आप उसको सही ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए उसने RCT करवाया और RCT फेल हो गई, मुंह सूज गया उसका, कुछ भी हो गया और आपने उसको सही कर दिया, तो वो पेशेंट एक नहीं कम से कम 10-15 पेशेंट वो भेजे और आपके माउथ पब्लिसिटी इतनी अच्छी करेगा कि आपका उस एरिया में, उसके सर्कल में आपका एक अच्छा खासा नाम होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का बेनिफिट भी होता है और लॉस ये होता है कि हमारी प्राइसिंग जो है वो उनसे मिल नहीं पाती, इसलिए जो है ज़्यादातर पेशेंट जो है वो क्वैक के पास जाते हैं, क्योंकि जहाँ तक आप, अब हम फिलिंग करेंगे, जैसे फिलिंग करेंगे या कंपोजिट फिलिंग करेंगे, हम चार्जेस लेते हैं 500, 1000, 1500, वहाँ पे वो फिलिंग करते हैं 200 रुपये की, प्लास्टिक भर रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि प्लास्टिक से क्या फर्क, मतलब क्या असर पड़ेगा, बाद में जब उनको इन्फेक्शन हो जाता है, मोबिलिटी हो जाती है, डायरिया हो जाता है, रिसेप्शन हो जाता है, तो फिर वो डॉक्टर्स के पास आते हैं कि हमने तो, हमें तो पता नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि लोगों को अंतर भी नहीं करना आ रहा, अब कौन सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके कोई भी डिग्री नहीं पूछता, अपने समस्या बताता है और इलाज लेता है, तो ये भी एक कारण है कि जो क्वैकरी है वो दिन ब दिन बढ़ गई है और डेंटिस्ट का जो काम है वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है।